बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी, बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही जो है वो मज़ेदार और यमी सा खजूर और सेब का जो है मिल्क शेक, यानी एप्पल और डेट मिल्क शेक। ये बहुत ही मज़ेदार का होता है और बहुत ही हेल्दी होता है, स्पेशली जो है इफ्तार के वक्त आप इसे इस्तेमाल करें, ये आपकी एनर्जी को जो है वो बहाल कर देगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं एप्पल डेट मिल्क शेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्पल और डेट यानी खजूर और सेब का मिल्क शेक बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है उनमें सबसे पहले हमने जो है वो एक कप दूध लिया है, ये फुल फैट जो है वो फ्रेश मिल्क है। एक बड़े साइज का हमने सेब लिया है, 5 अदद जो है हमने खजूरें ली हैं जो सॉफ्ट वाली खजूरें होती हैं, और 3 टेबलस्पून हमने जो है वो चीनी ली है। तो सबसे पहले हम सेब को छील कर काट लेंगे बारीक बारीक, और खजूरों को जो है गुठली निकाल कर इनको भी बारीक जो है वो काट लेंगे। सेब और खजूर को हमने जो है वो काट लिया है, सेब को इस तरह बारीक पीसेस काट लिए हैं और खजूर को हमने इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हमने एक ब्लेंडर जग ले लिया है, सबसे पहले उसमें हम जो है वो हमने ये जो सेब जो काटा था वो डालेंगे। और इसके बाद खजूरें जो हमने काटी है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चीनी डालेंगे, अब जो है वो 1 कप दूध डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह हमारा डेट और एप्पल मिल्क शेक जो है रेडी है, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही रिफ्रेशिंग। इसे ग्लास में हमने डाल लिया है, अब जो है वो थोड़े से गार्निश कर देंगे बादाम से। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही रिफ्रेशिंग। आप भी जरूर तैयार कीजिएगा, और रमज़ान में स्पेशली इफ्तार के टाइम जो है वो आप इसे तैयार कीजिएगा, आपकी एनर्जी को जो है वो बहाल कर देगा। तो अगर जो रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।